Assalamu alaikum. Good morning, students of class 4. Today we continue verse problem from exercise 1B. Open your page number 11. On page number 11, we work on question number 3 and question number 7. First of all, open your maths copies and maintain your page like this. First, write down complete date here, verse problem, page number 11. Verse problem and page number 11 ki heading jo hai wo lazmi aayegi. Then make a line properly, write down complete question here, question number 3, okay? Student, jo hume problem number 3 yahan given hai, wo hai, a library has 46,918 books of English and 108,625 books of Urdu. What is the total numbers of books? ठीक है, उन्होंने कहा यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक लाइब्रेरी की हो रही है. एक लाइब्रेरी में बुक्स है किसकी, इंग्लिश की, कितनी है, 46,918, यानी कि बुक्स ऑफ इंग्लिश की क्वांटिटी आपके पास यहाँ गिवन है कि इंग्लिश की जो बुक्स लाइब्रेरी में है वो टोटल कितनी है, 46,918. इसी तरीके से उन्होंने आपको क्वांटिटी दी हुई किसकी, बुक्स ऑफ उर्दू, यानी कि उर्दू की बुक्स की, वो कितनी है आपके पास, मतलब लाइब्रेरी में कितनी है, 108,625. यानी कि आपको इंग्लिश बुक्स की क्वांटिटी भी गिवन है एंड उर्दू बुक्स की भी क्वांटिटी गिवन है. दोनों बुक्स की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ आपके पास गिवन है कि इतनी इतनी क्वांटिटीज़ में जो है लाइब्रेरी में बुक्स मौजूद है इंग्लिश की एंड उर्दू की. ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स, आपको बताना है कि टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स क्या है, मतलब कितनी है वहाँ पर. तो जब आप इंग्लिश बुक्स की एंड उर्दू बुक्स की क्वांटिटीज़ को टोटल कर लेंगे, यानी कि दोनों को प्लस कर लेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स आ जाएंगी, यानी कि कंप्लीट बुक्स आ जाएंगी जो कि लाइब्रेरी में ऑलरेडी होगी इंग्लिश एंड उर्दू की. यानी कि फिलहाल जो आपके पास बुक्स की क्वांटिटी गिवन है वो टू टाइप्स में गिवन है, इंग्लिश की बुक्स की क्वांटिटी गिवन है एंड उर्दू की बुक्स की क्वांटिटी गिवन है. और आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी मौजूद है, आपको वो बताना है. यानी कि उन्होंने क्या कहा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स क्या है लाइब्रेरी में, आपको यहाँ वो बताना है. जब बात टोटल नंबर्स की हो रही होती है तो हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन में, हमेशा हम प्लस करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ बात वर्स प्रॉब्लम की हो रही है, और वर्स प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी आपको ये बात समझा दी थी कि वर्स प्रॉब्लम को हम कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ जो है उसका आंसर राइट करेंगे और उसको कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ ही सॉल्व करेंगे. जिसके लिए हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, हम डेटा राइट करेंगे. उस डेटा में हम क्या राइट करते हैं, जो चीज़ हमें गिवन है वो भी राइट करेंगे, और जो चीज़ हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है हम यहाँ पर वो भी राइट करके शो करते हैं. ओके, जिसके लिए फर्स्ट वन हेडिंग डालेंगे हम किस चीज़ की, डेटा की. तो हम डेटा की हेडिंग मेंशन करेंगे और उसके बाद हम इसमें वो चीज़ राइट करेंगे जो चीज़ हमें यहाँ गिवन है और जो चीज़ हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, वो दोनों चीज़ हम यहाँ राइट करेंगे. ओके, सो यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें क्वांटिटी ऑफ इंग्लिश बुक्स गिवन है एंड क्वांटिटी ऑफ उर्दू बुक्स गिवन है. तो हम उसको राइट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, लाइब्रेरी हैज 46,918 बुक्स ऑफ इंग्लिश, ओके, इट हैज 108,625 बुक्स ऑफ उर्दू. ठीक है, दोनों बुक्स आपके पास गिवन थी, इंग्लिश की एंड उर्दू की, दोनों की क्वांटिटी राइट की. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स, जिसके लिए हम क्या राइट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपको फाइंड आउट करना है. जिस जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको इक्वल टू डाल के हम क्या राइट करते हैं, क्वेश्चन मार्क राइट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, वो चीज़ हमें यहाँ मालूम नहीं होती, हमें वो खुद से मालूम करनी होती है. ओके, तो ये आपका कंप्लीट डेटा हो गया. डेटा में मैंने क्या राइट किया, लाइब्रेरी हैज़ 46,918 बुक्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि लाइब्रेरी में जो इंग्लिश की बुक्स थी वो इतनी थी. इट हैज़, और उसके पास उर्दू बुक्स जो थी, इट हैज़ 108,625 बुक्स ऑफ उर्दू, यानी कि जो उर्दू की बुक्स गिवन थी वो इतनी थी. टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स आपको पता नहीं है, ये चीज़ आपको खुद से फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए मैंने क्या राइट किया है, क्वेश्चन मार्क राइट किया है, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करनी है, हमें अभी मालूम नहीं है. अब हम क्या राइट करेंगे, सॉल्व राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और सॉल्व में हम क्या प्रोसेस करेंगे, सॉल्व में हम प्लस करेंगे, क्योंकि वहाँ बात टोटल नंबर्स की हो रही है, और जब भी बात टोटल नंबर्स की हो रही होती है तो वहाँ हम प्लस करते हैं. और किसको प्लस करेंगे, हम इंग्लिश बुक्स की क्वांटिटी के अंदर जो है वो उर्दू बुक्स की क्वांटिटी को प्लस कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स कहलाएगा. ठीक है, तो हम राइट मतलब कंप्लीट शो करेंगे, सबसे पहले 46,918 प्लस
8625। अब दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है, 46,918 108,625। दोनों को प्लस कर लेंगे हम लाइक दिस, 8 में 5 को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 13। 13 का 3 यहाँ, 1 हमने कैरी कर दिया। ओके, देन 2 एंड 1 3, 3 में 1 प्लस किया कितना हो गया 4, देन 9 एंड 6 कितना हो जाता है 15, 15 का 5 यहाँ राइट किया और 1 हमने कैरी कर दिया। 8 एंड 6 कितना हो जाता है 14, 14 में 1 प्लस किया कितना हो जाए 15, 15 का 5 यहाँ राइट किया, 1 अगेन कैरी कर दिया। 4 एंड 1 क्या हो गया 5 और 1 हमने एज इट इज राइट कर लिया। ठीक है, तो जब हमने 46,918 में 108,625 को प्लस किया तो टोटल क्या आ गया हमारे पास 155,543। ये क्या आंसर आ गया हमारे पास, टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स आ गई, कितनी आई हैं 155,543। ये आंसर तो हमारे पास यहाँ आ गया और हमें ये भी चीज़ फाइंड आउट हो गई कि टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, वो भी हमें चीज़ जो है फाइंड आउट कर ली, यानी कि हमें कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। लेकिन इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें अपने आंसर को कंप्लीट स्टेटमेंट में देना है, तो जब कंप्लीट स्टेटमेंट में देना होगा उसके लिए हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, आंसर। ठीक है, क्योंकि हम आंसर देने जा रहे हैं और कंप्लीट स्टेटमेंट में कैसे राइट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर 155,543। ओके, क्लियर है बात। उन्होंने हमसे यही कहा था कि आंसर जो है वो आपको कंप्लीट स्टेटमेंट में देना है, तो हमने कंप्लीट स्टेटमेंट में ही आंसर दिया है। सबसे पहले डेटा राइट करेंगे, डेटा में जो गिवन है वो राइट करेंगे और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो भी राइट करके शो करेंगे। देन आप सॉल्व करोगे, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आप इस तरीके से कंप्लीट सॉल्व करके शो करोगे, देन आंसर को जो है वो कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट करोगे लाइक दिस। क्लियर हो गई बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम प्रॉब्लम नंबर 7 पे वर्क करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 आपके पास क्या गिवन है, अ स्कूल इन द विलेज नीड्स ₹400,000 फॉर अ न्यू बिल्डिंग, मिस्टर अब्दुल डोनेटेड रुपीज 150,000, हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड। अ स्कूल इन द विलेज, एक स्कूल की बात करिए किसके अंदर है, विलेज के अंदर है, यानी कि गांव के अंदर है। नीड्स रुपीज, उनको ज़रूरत है कितने रुपीज की, 400,000 की। किसके लिए, फॉर अ न्यू बिल्डिंग, यानी कि न्यू बिल्डिंग के लिए, स्कूल के लिए न्यू बिल्डिंग बनाई जा रही है किसके अंदर, विलेज में, गांव में, जिसके लिए उन्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, 400,000 जो है अमाउंट की ज़रूरत है उन्हें। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड, मिस्टर अब्दुल ने डोनेटेड किए यानी कि इमदाद किए ₹150,000। ठीक है, हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड, यानी कि कितने ज़्यादा पैसे जो है वो उन्हें जमा करने होंगे अपनी इस कंप्लीट अमाउंट को बनाने के लिए, एक न्यू बिल्डिंग परचेज करने के लिए स्कूल के लिए। सो स्टूडेंट, 400,000 तो उन्हें कंप्लीट जो है अमाउंट चाहिए न्यू बिल्डिंग के लिए, लेकिन मिस्टर अब्दुल ने जो है 400,000 में से 150,000 जो है, 150,000 जो है वो डोनेट कर दिया, यानी कि इमदाद कर दिए, विलेज में दे दिए। तो 400,000 में से 150,000 तो उनके पास आ गए। अब उन्हें और कितने पैसों की ज़रूरत है, यानी कि और कितने पैसे उन्हें जमा करने हैं अपनी न्यू बिल्डिंग के लिए, यानी कि जो न्यू बिल्डिंग की ज़रूरत के लिए उन्हें और कितने पैसे जमा करने हैं, यहाँ आपको वो राइट करना है। तो स्टूडेंट, जब 400,000 में से 150,000 के पास आ गए तो रिमेनिंग और कितने पैसे कलेक्ट करने होंगे, तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कंप्लीट जो अमाउंट आपके पास गिवन है उसमें से जो मिस्टर अब्दुल ने डोनेट की है वो अमाउंट को। जब आप लेस करोगे तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी या रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी वो आपको ये क्लियर कर रही होगी कि आपको इतने पैसे और ज़्यादा जमा करने हैं न्यू बिल्डिंग परचेज करने के लिए, यानी कि विलेज में जो न्यू बिल्डिंग बनी है उसके लिए इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो और जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, डेटा राइट करेंगे। ओके, और डेटा में हम क्या चीज़ राइट करते हैं, जो चीज़ हमें गिवन है वो भी राइट करते हैं और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है हम वो भी राइट करते हैं। ओके, अ स्कूल नीड्स रुपीज 400,000 फॉर अ न्यू बिल्डिंग। ओके, पहली चीज़ यही गिवन थी हमें कि एक स्कूल को ज़रूरत थी 400,000 की न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि न्यू बिल्डिंग के लिए। फिर उसके बाद हमें क्या राइट किया हुआ था, मिस्टर अब्दुल डोनेट, मिस्टर अब्दुल ने डोनेट किए थे स्कूल के लिए, यानी कि न्यू बिल्डिंग के लिए, न्यू
स्कूल की न्यू बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो उसके नेम क्या राइट करेंगे, मिस्टर अब्दुल डोनेटेड रुपीस 150,000, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड, ठीक है, यानी कि कितने ज़्यादा पैसे जो हैं उन्हें और जमा करने होंगे। तो इसके लिए हम क्या राइट करेंगे, दे नीड मोर मनी फॉर अ न्यू बिल्डिंग, यानी कि उन्हें और कितने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है न्यू बिल्डिंग के लिए, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी, ठीक है। अब हमने कंप्लीट डेटा राइट कर लिया, डेटा में जो हमें गिवन था हमने वो भी राइट किया, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी हमने वो भी राइट किया। अब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, किसमें से किसको माइनस करेंगे, 400,000 यानी कि न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए जो कंप्लीट अमाउंट चाहिए थी उसमें से हम माइनस कर देंगे जो मिस्टर अब्दुल ने डोनेट किया, और मिस्टर अब्दुल ने कितने डोनेट किए हमें, 150,000, 400,000 में से हम 150,000 को लेस कर देंगे, लाइक दिस। जीरो में से जीरो को लेस किया जीरो, 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 जीरो में से फाइव लेस नहीं हो सकता है, हम बोरो करेंगे, फोर में से वन बोरो कर दिया, फोर के बाद रिमेनिंग क्या रह गया, थ्री, वन एंड जीरो क्या हो जाता है, टेन हो जाता है, टेन में से फाइव को लेस किया फाइव, देन थ्री में से वन को लेस किया टू। तो जब हमने 400,000 में से 150,000 को लेस किया तो आंसर क्या आ गया, 150,000 को जब लेस किया तो आंसर क्या आ गया, 250,000, क्या आ गया हमारे पास, 250,000, क्लियर हो गई बात। तो यानी कि उन्हें और कितने ज़्यादा पैसे जमा करने की ज़रूरत थी, 250,000 की, ये चीज़ हमें यहाँ क्लियर हो गई। लेकिन हम अपने आंसर को कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में किया था, यानी कि प्रॉब्लम नंबर थ्री में किया था, इसी तरीके से हम प्रॉब्लम नंबर सेवन में भी करेंगे। 250,000 मस्ट बी कलेक्टेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग, क्लियर है बात, 250,000 मस्ट बी कलेक्टेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग, यानी कि न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए 250,000 जो है उन्हें और जमा करने होंगे, क्लियर हो गई बात। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन नंबर सेवन यानी कि प्रॉब्लम नंबर सेवन को किस वे में राइट किया है, सबसे पहले मैंने कंप्लीट डेटा राइट किया है, डेटा में हम दोनों चीज़ें राइट करते हैं, जो चीज़ गिवन है वो भी और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो भी, देन कंप्लीट सॉल्व करेंगे आप इसी वे में जिस वे में मैंने आपको शो किया, और अपने आंसर को भी कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट करेंगे लाइक दिस। वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और इसी वे में वर्क होना चाहिए जिस वे में आपको यहाँ मैं वर्क शो करी। आई होप आपको प्रॉब्लम नंबर थ्री एंड प्रॉब्लम नंबर सेवन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया और किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही। ओके, टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।